ओके तो बच्चों ये उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है मोशन के जो हमने आपको पीडीएफ में दिया है। एंड द क्वेश्चन इज ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल का फॉर 20 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से चल रहा था यानी वेलोसिटी इनिशियली वाज जीरो। ओके तो 20 सेकेंड तक एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन था। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस वन इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मीन्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम ट्रेवल। ओके हाफ ऑफ द टोटल टाइम फॉर ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस एस टू, और डिस्टेंस एस टू तो पहले 10 सेकेंड में S1 किया, दूसरे आखिरी 10 सेकेंड में S2 किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसको आप उसमें उलझेंगे इक्वेशंस में उलझेंगे उससे भी हो जाएगा ये, लेकिन इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, देखिए कितनी आसान है। ध्यान से देखिएगा, इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है बच्चों, भूमि बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर एग्जांपल को यहां तक चलिए एंड इट इज 20, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो बेटा यहां पर 10 होगा, बीच में कहीं 10 होगा, राइट? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो ग्रीन से मैं कर रहा हूं, इसको क्या बोला है? S1 बोला है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला है? इसको S1 बोला है, और इस पूरे डिस्टेंस को S2 बोला है। इसको मैं व्हाइट से करता हूं, इसको क्या बोला है बच्चों? इसको S2 बोला है। इसको क्या बोला है? इसको S2 बोला है। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो अब हमें S1 और S2 के बीच का रिलेशन निकालना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर को अलग बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसी से सारी बात वाजे हो जाएगी। अगर ये S1 है तो ये भी S1 होगा या नहीं? कौन कौन yes. समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है? यस सर। और ये 2S1 होगा या नहीं? अगर ये H है हाइट, तो ये 2H होगी या नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर इसके अंदर थोड़ी सी लगा दे ध्यान से, समझ में आ गया? तो ये जो S2 है बेटा, ये S2 है, ये किसके बराबर आ गया? 3S1 के बराबर आ गया। कितने बच्चों के समझ में आ गया? जल्दी बताइए। यस सर, मेरे समझ में आया। यस सर, आ गया। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये मैंने एरिया जो है ट्राइंगल्स के जरिए निकाला है, ट्राइंगल के जरिए। बेटा इसका एरिया ट्राइंगल है, इसका एरिया S1 है। S1 किसके बराबर? ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया, ये S1 किसके बराबर है जरा ये बताइए। अगर इस हाइट को मैं H1 मान लूं, ये वाली जो हाइट है ना बेटा, इसको H मान लूं, हाइट बेसिकली क्या है? ये वेलोसिटी है 10 सेकेंड बाद, है कि नहीं? तो ये S1 किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, हाफ इंटू बेस, बेस है 10 इंटू H, राइट? इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये भी S1 होगा, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, yes, और हाइट दोनों की बराबर है, ये S1 होगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, इसको इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको देखिए, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये ट्राइंगल को देखिए, ये है 2H, ये कितनी है बेटा? ये 10 है या नहीं? यस सर। तो इसके ऊपर वाला भी S1 होगा, नीचे वाला भी S1 होगा, होगा या नहीं? हाफ इंटू ये ऊपर से लेकर ये बेसिकली H और ये भी H, ये 2H कैसे हो गया? ये समझ में आ रहा है या नहीं?
यस सर, यस सर। जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा था उनके आ रहा है या नहीं, जल्दी बोलिए। yes, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कहिए नहीं आ रहा। बोलिए सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये भी S1 हो गया, ये भी S1 हो गया, तो ये बेसिकली 2S1 हो गया। तो आप समझ में आ गया कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कंफ्यूजन हो जरा सा भी इस सवाल में? नो सर, नो सर।